इंडिया से यूए के फ्लाइट सस्पेंड है। अगर आप यूए जाने के लिए सोच रहे हैं तो 6 जुलाई से पहले पहले यूए में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो या 6 महीने से ज़्यादा होने वाला हो तो फिर आप अगर कंट्री में 14 दिन रह कर के यूए जा सकते हैं। इस वीडियो में 2 देश का नाम बताने वाली हूँ, उस देशों में होकर के यूए के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला कंट्री है आर्मेनिया। भारत से आर्मेनिया की फ्लाइट चल रहा है। भारत से आर्मेनिया के रास्ते अब तक 150 से ज़्यादा यात्री दुबई जा चुके हैं, जो यूए के द ग्लेशियल न्यूज पर आया हुआ था, जिसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। अब अगर आप आर्मेनिया जाना चाहते हैं तो फिर एजेंट से ट्रेवल पैकेज ले सकते हैं। भारत से आर्मेनिया के रास्ते दुबई जाना हो तो सबसे पहले आपको 14 दिनों के लिए होटल बुक करना, 14 दिनों के लिए वीज़ा और कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना और फ्लाइट के टिकट, ये सब पैकेज दे रहे हैं जो 85,000 में दे रहे हैं, यानी 85,000 के आसपास आर्मेनिया के रास्ते के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपको दुबई जाना हो, आबू धाबी जाना हो, शारजा जाना हो, रास अल खैमा जाना हो, जा सकते हैं आर्मेनिया के रास्ते। अब दूसरा कंट्री है अजबेगिस्तान। अजबेगिस्तान भारत से एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है। अभी दूसरे लहर आने के बाद में फ्लाइटों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब फिर फ्लाइट चल रहा है। अगर आप अजबेगिस्तान के रास्ता यूई के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो 1 लाख से लेकर के 1,10,000 रुपये ट्रेवल पैकेज एजेंट के ले रहे हैं, जो आपको ट्रेवल पैकेज मिलेगा। उसमें 14 दिनों के लिए होटल स्टे होगा, 14 दिनों के लिए वीजा होगा, आपको कोरोना वायरस का टेस्ट होगा और टिकट सब उसी में होगा। और तीसरा कंट्री है तुर्की। भारत से तुर्की की फ्लाइट चल रहा है। आप तुर्की के रास्ते भी के रास्ते ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपका वीजा एक्सपायर हो रहा हो, आएगा फ्लाइट चालू रहेगा या फिर